हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज जो मैं आपको चैप्टर देने जा रहा हूं वो यूपी बोर्ड का है और बुक का नाम है प्रोज और चैप्टर का नाम है इंचेंटेड पूल। ये जो चैप्टर है इंचेंटेड पूल, इसके राइटर हैं सी राज गोपालचारी। और इंचेंटेड पूल यानी जादुई तालाब, बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे आपकी जीके भी बहुत स्ट्रांग होगी क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं ना वो जीके में भी आपके बहुत काम आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये 10th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर है आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, यूपी बोर्ड का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए आपके सामने बुक होना चाहिए और बुक जो है आप देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से ये पैराग्राफ में दी गई है। तो अभी हम पहला और दूसरा पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं और उसके बाद मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिरा, कुछ लोग युधिष्ठिर भी बोलते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जायटी एंड थर्स्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, अनेबल टू बियर दी थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। ये पहला आपका पैराग्राफ, राइट। दूसरा, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड डियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। इसमें सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड आया है एंग्जायटी। एंग्जायटी इसका मतलब होता है फिक्रमंद हो जाना, बेचैन हो जाना। फिर आता है आपका थर्स्ट। थर्स्ट मीन्स प्यास और सब्जेक्टेड का मतलब हराना, किसी चीज़ को आप हरा देते हैं। और कर्स का मतलब होता है श्राप देना या श्राप मिल जाना। कर्स मीन्स श्राप ऑलमोस्ट। स्टिल का मतलब अभी से और वांडरिंग का मतलब घूम रहे हैं। और फॉरेस्ट बहुत सिंपल है, जंगल। और सर्च यानी तलाश। वाटर मीन्स पानी। फेंटेड यानी बेहोश हो जाना। प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। डायरेक्शन का मतलब दिशा। और ट्रैक्ट का मतलब होता है इलाके या रास्ते। और वाइल्ड मीन्स जंगली। बियर मीन्स भालू। और स्पॉटेड डियर चित्तीदार हिरन, वो जिन हिरन के ऊपर स्पॉट पड़े हुए होते हैं उसको कहते हैं चित्तीदार हिरन। फॉरेस्ट बर्ड्स का मतलब होता है जंगली चिड़िया। मिडो का मतलब मैदान। और फ्लैग पोल्स यानी खंबे। और रिस्ट्रेन संयम यानी अपने ऊपर भरोसा रख के कोई काम करना। ग्रीफ का मतलब दुख। और लिफ्टेड वॉइस मीन्स होता है कि जो आवाज़ आपकी बहुत ही
दर्दीली हो उसको हम कहते हैं लिफ्टेड वॉइस। वेप्ट मीन्स रोने लगे। चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जायटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर बहुत प्यासे थे और बहुत ही व्याकुल थे और अपने भाइयों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या उन्हें, यहाँ पर राइटर कहता है, क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है या अब तक वो लोग पानी की ही तलाश में जंगल के अंदर घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे ऐसा तो नहीं कि प्यास के मारे बेहोश हो गए हों या कहीं प्यास के मारे मर ना गए हों। अनेबल टू बियर दी थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूर होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। देखिए ये थॉट्स युधिष्ठिर जी के दिमाग में आ रहे थे। तो जब थॉट्स आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यास से वो बेहोश हो गए हों या भगवान ना करे मर गए हों, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी चीज़ें वे भूल गए और इन थॉट्स को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि थॉट्स ही बहुत ही ख़तरनाक थे। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो बाहर निकले और अपने भाइयों की तलाश में खुद लग गए, यानी अपने भाइयों को खुद तलाश करने लगे। सेकंड पैराग्राफ, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड ए बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटिफुल ग्रीन मिडो राउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर। युधिष्ठिर उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में चल पड़े जिस डायरेक्शन में उनके भाई गए थे, जबकि वो जो रास्ता था जंगली भालुओं और चित्तीदार हिरन, बड़े बड़े जंगली चिड़ियों से, यानी जंगली जानवरों से पूरी तरह से वो भरा पड़ा था, पूरी तरह से भरा हुआ था। और ये इस रास्ते में बहुत हरी भरी घास भी थी, मैदान भी थे, और वो उसी रास्ते से चलना उन्होंने शुरू कर दिया और उसके बीच में एक क्या था, तालाब था। लेकिन बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स। अब वो जब वो तालाब जो था उसमें पानी बहुत साफ सुथरा था, लेकिन जब उन्होंने अपने वहाँ पर अपने भाइयों को देखा, उनको भाई मिल गए, लेकिन वो भाई फ्लैग पोल्स की तरह थे, यानी कि एक खम्बे की तरह पड़े हुए थे। तो वो फेंटेड थे, यानी कि बेहोश थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बहुत दुख भरी आवाज में रोना शुरू कर दिया, यानी उनकी आवाज़ बहुत खराशती हुई आवाज़ थी और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। थर्ड देखते हैं, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मार्न। उन्होंने अपने भाई भीम और अर्जुन के फेस को टच किया। होता है ऐसा कि जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई बेहोश हो जाता है तो उसके हम लोग फेस को टच करते हैं। ये एक हम लोग एक वो है, साइकोलॉजी हम लोगों की बनी हुई है और हम लोग
क्या करते हैं, अपने आप को सहारा देने के लिए फेस को टच जरूर करते हैं। तो उन्होंने अपने भाई के फेस को, भीम और अर्जुन के फेस को टच किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मार्ड, जब उन्होंने टच किया तो वो बेजान थे उनके दोनों भाई, तो वो एक तरह से रोने लगे, बहुत बुरी तरह से रोने लगे और हल्के हल्के वो बुदबुदाने लगे रोते रोते, जैसे होता है अक्सर। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आर वोस, कहते क्या ये हमारी सारी जितनी हमारी प्रतिज्ञाएं थीं, ये जो हमने प्रण किए थे, क्या उनका यही हाल होना था। जस्ट वेन आर एग्जिल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे, कहते हमारा वनवास, एग्जिल यानी वनवास, कहते जब हमारा वनवास खत्म होने वाला था, खत्म होने वाला है, तो तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए, यानी तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्च्यून, और यहाँ तक के देवी देवताओं ने भी मुझे इस परेशानी में तनहा छोड़ दिया। आगे कहते हैं, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लाइम Now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their mighty line, जब उन्होंने अपने भाइयों की बहुत ही strong बाहों को देखा और पूरी body को देखा, और फिर उन्होंने जब ये फील किया, ओ माय गॉड, इतने मजबूत इतने ताकतवर होने के बाद भी ये लोग कैसे बेजान एकदम पड़े हुए हैं। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है, कौन इतना ताकतवर है जिसने मेरे भाइयों को मूर्छित कर दिया, यानी बेहोश कर दिया या मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अब चूंकि वो भी बहुत प्यासे थे, बहुत ही प्यासे थे, और उनकी प्यास जो है, चूंकि पूल था वहां पर, तालाब था, उसकी तरफ खींचे जा रहे थे, तो वो पानी लेने की कोशिश कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा पानी पी लूं जिससे प्यास बुझे। एडवांस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, और जैसे उन्होंने पानी लेने की कोशिश की तो उनको एकदम आवाज आई, और आवाज क्या आई कि पहले तुम मेरे सारे सवालों का, एडवांस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, उनको एक आवाज आई और उसमें उनको एक वार्निंग मिली, यानी एक चेतावनी दी गई। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिडंट हीड माय वर्ड्स, कहते तुम्हारे भाई जो ये डाइड हो गए या मृत्यु जिनकी हो गई, ये जानते हो क्यों, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरी आवाज को सुना नहीं, तुम्हारे भाइयों ने मेरी आवाज को सुना नहीं और मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, और उन्होंने क्या किया कि मेरे सवालों के जवाब के बगैर, यानी उन्होंने मेरे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, कोशिश की कि मैं पानी पी लूं। डोंट फॉलो देम, तुम उनकी तरह कोई काम मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले तुम मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उसके बाद तुम प्यास अपनी बुझा सकते हो, यानी पानी पी सकते हो। द पूल बिलोंग्स टू मी, ये पूल, ये तालाब, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। आगे कहते हैं, It didn't take Yudhishthira a moment to understand that these could be none.
other than the words of Yaksh and guessed what had happened to his brothers. जब उन्होंने इस आवाज को सुना, किसने? युधिष्ठिर जी ने, तो उनको समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी की भी नहीं है सिवाय यक्ष के, यक्ष यानी यमराज के। और वो समझ गए कि ये किस तरह का मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, उन्होंने इसका भी अनुमान लगा लिया। और फिर उन्होंने आइडिया ये भी लगा लिया कि जो कुछ मेरे भाइयों के साथ में हुआ है वो यक्ष के जरिए से ही हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। अब चूंकि वो समझदार थे, एकदम वो समझ गए कि मैं अपने इनके सवालों का जवाब सही सही दूंगा तो मैं अपने भाइयों को भी वापस ले आऊंगा, यानी कि जो इनकी पोजिशन है वो अच्छी हो जाएगी। He said to the bodiless voice, बिना हिले डुले, बिना किसी परेशानी के उन्होंने कहा, Please ask your questions, हाँ कृपया करके आप अपने क्वेश्चन को कीजिए। The voice put questions rapidly one after another, उस आवाज में एक के बाद एक क्वेश्चन आते चले गए, यानी क्वेश्चन करना उन्होंने शुरू कर दिया बहुत तेजी से। What rescues man in danger? पहला उनका सवाल, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि आपको इसमें बहुत जीके भी मिलेगा और ऐसी चीजें मिलेंगी जो हमारी जिंदगी में काम आती हैं। पहला क्वेश्चन, What rescues man in danger? करेज। युधिष्ठिर जी ने कहा करेज यानी साहस। सवाल था कि खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है, तो उन्होंने जवाब दिया साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान की स्टडी करने के बाद मनुष्य को अकलमंद बनने का मौका मिल जाता है, यानी कि मनुष्य इंसान जो है बहुत समझदार बन जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज By association with the great in wisdom that he gets wisdom. तो अब वो जवाब देते हैं कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य समझदार नहीं बनता है, यानी अकलमंद नहीं बनता है। अकलमंद केवल उसकी संगत ही उसको अकलमंद बनाती है। अगर उसकी संगत अच्छी है तो वो अकलमंद यानी कि वाइज, उसके अंदर अकलमंदी जरूर होगी, समझदार जरूर बनेगा। आगे कहते हैं, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज द स्विफ्टर देन द वाइंड। यक्ष जी आगे पूछते हैं, आप मुझे बताइए कि हवा से भी तेज चलने वाला क्या है, हवा से भी तेज चलने वाली कौन सी चीज है? तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, माइंड। माइंड का मतलब दिमाग, हवा से भी ज्यादा तेज चलता है, इसको मन भी कहते हैं। मन जो होता है हवा से भी तेज चलता है। आगे कहते हैं, व्हाट इज द मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। देखिए अच्छी सवाल है कि सूखी हुई घास से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है, यानी सूखी हुई घास जो है वो बहुत ही मुरझाई हुई होती है, यानी अगर आप फूंक मारोगे तो उड़ जाएगी, लेकिन कह रहे हैं उससे भी ज्यादा मुरझाई हुई कौन सी चीज होती है। जवाब देते हैं, अ सॉरो स्ट्राइक इन हार्ट, यानी सूखी हुई घास से भी ज्यादा अगर कोई चीज मुरझाई हुई होती है वो होता है दुख में डूबा हुआ दिल। अगला सवाल, व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्री का मित्र, यानी जब आप सफर कर रहे हैं उस वक्त आपका दोस्त क्या है, आपका दोस्त कौन होता है? तो यहां पर जवाब देते हैं, लर्निंग, कि इफ यू आर गोइंग टू लर्न मोर एंड मोर
सफर के समय में अगर आप कुछ सीख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो जो लर्निंग यानी ज्ञान जो है आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अगला क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। घर पर रहने वाले का साथी कौन है यानी कौन होता है? तो इसमें जवाब मिलता है द वाइफ, जो घर पर जो आपके दोस्त होता है, जो साथी होता है, वो आपकी वाइफ होती है। आगे कहते हैं हु एकम्पनाइज अ मैन इन डेथ। ओह, मौत के समय, मृत्यु के समय आपका साथ कौन देता है? जवाब मिलता है धर्म। दैट एलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मौत, सॉरी धर्म, मौत के समय यात्रा में जो सबसे ज्यादा साथ आपको देता है वो केवल आपकी आत्मा साथ देती है। जो आपकी आत्मा होती है वो आपकी सबसे बड़ी मौत के समय साथी होती है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। ओ, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? जवाब देते हैं द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। कहते हैं कि पृथ्वी जो अपने में सब कुछ समाये हुए है और वही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, खुशी क्या है? जवाब मिलता है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे बर्ताव का जो आपको रिजल्ट मिलता है वही आपकी सबसे बड़ी खुशी है। आई कहते हैं व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या है जिसको छोड़ देने से हम सबको बहुत ही प्यार मिल जाता है? जवाब देते हैं प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। अगर आप घमंड करना छोड़ दें, अगर आप घमंड करना छोड़ दें तो आपको सभी लोग बहुत ही प्यार करते हैं। आई कहते हैं व्हाट इज द लॉस विच येल्स जॉय एंड नॉट सॉरो। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि किसका नाश, किसकी बर्बादी होने से आनंद बढ़ता है, दुख नहीं, कौन सी चीज ऐसी है अगर वो बर्बाद हो जाए तो आपको बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, दुख नहीं होता। तो यहां जवाब दे रहे हैं एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। कहते हैं लालच, क्रोध का अगर नाश हो जाए या वो हम उसको छोड़ दें तो बहुत अच्छा हो जाता है। आई कहते हैं व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम छोड़ दें अगर तो हम अमीर हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं? कहते हैं डिजायर। जवाब देते हैं युधिष्ठिर जी डिजायर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ाने में भी और उम्मीद है आपको भी मजा आएगा। डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। अगर लालच हम लोग छोड़ दें तो हम लोग अमीर हो जाएंगे, यानी कि लालच जो है उससे अमीर आदमी कभी नहीं होता है। आगे कहते हैं व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिसिवली। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं कोई भी ब्राह्मण जो है, कोई भी इंसान अच्छा ब्राह्मण कैसे बनता है? क्या ये जन्म से होता है ब्राह्मण, या अक्षर अच्छे आचरण या ज्ञान से होता है? आप हमें क्लियर वे में इसको समझाइए। अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं,
करें बर्थ एंड लर्निंग डोंट मेक वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डस। कहते हैं कि जन और ज्ञान से कोई भी ब्राह्मण नहीं बनता, कोई भी जन से या अच्छे व्यवहार से ब्राह्मण वो कभी भी नहीं बनता। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। आगे कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, बहुत उसके पास ज्ञान आ जाता है, बहुत कुछ सीख लेता है, तब भी वो ब्राह्मण नहीं बनता। विदाउट गिविंग अप हैड हैबिट्स, अगर वो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको छोड़ने से हमें फायदा होता है, तो बुरी आदतें भी हमें छोड़नी पड़ेंगी। इवन दो ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। कहते हैं कि जब तक कि मनुष्य उन सारी चीजों को ना छोड़े जो चारों वेदों में बताया गया है, जब तक वो अच्छा ब्राह्मण नहीं बनता। राइट, आई कहते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जवाब देते हैं एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट्स टू यामास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। बहुत अच्छी चीज कह रहे हैं। कहते हैं कि रोज प्राणियों को यानी जानवरों को हम जब लोग जाते हुए देखते हैं, तब भी जो जीवित हैं वो आखिर तक जीवित रहने की उम्मीद रखते हैं। वास्तव में असलियत में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी उनका इशारा कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं कि प्राणी हो या कोई भी हो, जब वो मरते हैं तो हमको जाते हुए देखते हैं, उसके बाद भी हम तमन्ना ये रखते हैं कि हमें और जिंदगी मिले तो अच्छा है, जबकि तैयार रहना चाहिए। चलिए आगे कहते हैं दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। युधिष्ठिर ने काफी क्वेश्चन किए, सॉरी यक्ष ने काफी क्वेश्चन किए और उन्होंने उसका बहुत सही से जवाब भी दिया। इन द एंड ऑफ यक्ष आस्क ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ। अजीब गरीब उन्होंने कहा कि ओ मेरे राजा, हे राजन, तुम्हारे जो भाई हैं वो मृत हैं लेकिन उनको जीवित किया जा सकता है, तुम किसको जीवित देखना चाहते हो? इट टू युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन लोटस आईड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुला लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज। कहते हैं तुम किसको जीवित देखना चाहते हो? जवाब देते हैं एक पल युधिष्ठिर जी ने सोचा, फिर उन्होंने अपनी डिजायर शो की, अपनी इच्छा प्रकट की और कहते हैं कि चौड़े सीने वाला, लंबी भुजाओं वाला और जो बहुत ही मजबूत है और तेंदुए की तरह बहुत स्ट्रांग होने के बाद भी एक वृक्ष जो काट देते हैं हम पेड़ को, कहते हैं उसकी तरह गिरा पड़ा है, उसका नाम है नुकुल, मैं इसको जीवित देखना चाहता हूं। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, बहुत खुश हुए यक्ष, लेकिन फिर युधिष्ठिर से पूछा व्हाई डिड यू चूज नुकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। कहते हैं तुमने नुकुल को क्यों चुना, इसका मुझे रीजन दो। यक्ष बहुत खुश थे उन्होंने जब जवाब दिया युधिष्ठिर जी ने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सवाल किया
कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना, जबकि जो आपके सामने भीम है ये भी बहुत स्ट्रांग है, 16 हाथियों का की ताकत है, और मैंने यहाँ तक सुना है, ये यक्ष कह रहे हैं कि यहाँ तक सुना है कि तुम उनको बहुत प्यार भी करते हो। आगे कहते हैं, आई हैव हियर द भीम इज मोस्ट डियर यू, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत प्यार करते हो, एंड वाई नॉट अर्जुन हुज स्टैंड इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, तुमने अर्जुन क्यों नहीं चुना, क्योंकि वो भी बहुत मजबूत हैं और वो तुम्हारा प्रोटेक्शन भी बहुत करते हैं, तुम्हें सेफ रखते हैं। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, आपने नकुल को इन दोनों के कंपेयर में क्यों चुना, मुझे इसके बारे में बताइए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, ओ यक्ष, यक्ष जी, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। ओ माई गॉड, बहुत अच्छी चीज बात कह रहे हैं युधिष्ठिर जी, कहते हैं यक्ष जी केवल धर्म ही मनुष्य की ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं, भीम या अर्जुन मेरी ढाल नहीं है, धर्म ही मनुष्य की ढाल है। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को हम छोड़ देते हैं, मैन विल बी रियून, अगर धर्म को हमने छोड़ दिया तो आदमी का नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, दो पत्नियां थी, आई एम अलाइफ असर ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रेव्ड। कहते हैं कि दो पत्नियां हैं जिससे वे पूरी तरह से वंचित नहीं हैं, और इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन आई आस्क दैट माद्री सर नकुला मे रिवाइव। उन्होंने ये संतुलन बनाए रखने के लिए इसीलिए नकुल को चुना कि ये दो बीवी जो उनकी हैं उनमें से कोई मुझसे नाराज ना हो, इसलिए मैंने नकुल को चुना, और नकुल जब अच्छे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ ठीक हो जाएगा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता यानी कि इस अच्छी सोच के साथ में यक्ष बहुत खुश हुए, और उन्होंने ये तय किया कि मैं खाली नकुल को नहीं बल्कि आपके तीनों भाइयों को जीवित करता हूँ। उन्होंने तीनों भाइयों को फिर जीवित कर दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही मैट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। कहते हैं ये कोई नहीं था, कोई दूसरा इंसान नहीं था, बल्कि ये यक्ष थे, मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ था ताकि वो युधिष्ठिर से ऐसे क्वेश्चन कर सके जिससे उनकी सोच के बारे में पता लगा सके। ही एम्बरेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उनको परख लिया और फिर उनको गले लगा लिया, उनको आशीर्वाद दिया, देन ही डिसअपीयर्ड, और उनके भाई सब जीवित हो गए, और जैसे ही गले लगाया उसके बाद वो डिसअपीयर्ड हो गए यानी अदृश्य हो गए। तो ये था आपका चैप्टर एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। मुझे पूरा भरोसा है आपको पूरा चैप्टर ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप मुझे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और अगर हो सके तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर दीजिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और अगला वीडियो जरूर देखिए क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूं। इसी तरह दीजिए बस इनको इजाजत, थैंक यू सो मच।